आज मैं बना रही हूँ बहुत ही इजी चिकन सैंडविच। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर इवनिंग स्नैक में भी इसको बना सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अंजूर आलिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुक विद अंजूर। चिकन सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हमने 500 ग्राम चिकन लिया है और इसमें आधा कप दही डालें, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1/2 टी स्पून गरम मसाला, 1 टी स्पून नींबू का रस डालें और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको ढक कर 1 घंटा मैरिनेट करेंगे। इसके बाद एक पैन लें और इसमें 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे और तेल गर्म होने के बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन डालें। एक बार इसको अच्छे से मिला लेंगे और ढक कर 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। 5 मिनट बाद लिड हटाकर देखें। एक बार इसको अच्छे से मिला लें, देखिए चिकन भी अच्छे से गल चुका है। अब फ्लेम को हाई करके इसका पानी सूखने तक इसको पकाएंगे। आप देख सकते हैं इसका पानी भी सूख गया है। अब फ्लेम को बंद करके इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद चिकन के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे या फिर इसके रेशे अलग कर लेंगे। देखिए हमने सारे चिकन के रेशे अलग कर लिए हैं। अब एक बोल में इसको डाल लेंगे। इसके बाद इसमें 1/2 कप मेयोनीज डालें, 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस डालें, 1/4 कप बारीक कटा हुआ गाजर, 1/4 कप शिमला मिर्च कटी हुई, 1/4 कप बारीक कटा हुआ खीरा, 1/4 कप बारीक कटी हुई प्याज। इसके बाद बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं चिकन में हमने सलाद को अच्छे से मिक्स कर लिया है। 2 ब्रेड लेंगे और ब्रेड के ऊपर ये चिकन स्प्रेड कर लेंगे। चिकन अच्छे से स्प्रेड करने के बाद ब्रेड का दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे। अब इस सैंडविच को आप कोई भी तवा या फिर पैन पर बना सकते हैं। आप कोई भी पैन ले लें और उस पर बटर लगा लें और बटर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और फ्लेम को लो रखें। इसके बाद सैंडविच उसके ऊपर रख लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इस तरह से प्रेस करते हुए पकाएंगे और फ्लेम को लो पर रखकर ही पकाएंगे, हाई मत करें वरना जल जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर बटर लगा लें थोड़ा। 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से प्रेस करते हुए पकने के बाद नीचे का ब्रेड स्लाइस गोल्डन कलर में आ जाएगा और क्रिस्प हो जाएगा। इसके बाद इसको पलटा लेंगे और पलटा कर दूसरी साइड भी 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। देखिए हमारा चिकन सैंडविच तैयार है। आप इसको ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक या फिर लंच बॉक्स में भी इसको दे सकते हैं। अब हम इसको बीच में से कट कर दिखाएंगे। परफेक्ट। इसी तरह से आप भी बनाइए और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुक विद अंजूर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।